हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल इंडिया निटिंग का। फ्रेंड्स, आज हम दो कलर के ऊन से बुनाई का डिज़ाइन बनाना सीखेंगे। मेरा बेस कलर वाइट रहेगा, डिजाइन में रानी कलर से डालूँगी। और फ्रेंड्स, ये मैंने देखे 10 नंबर की सिलाई पर मैंने 4 के मल्टीपल से फंदे डाल लिए और एक फंदा एक्स्ट्रा डाले डिजाइन को सेट करने के हिसाब से। और ये चार बंदों का मल्टीपल डिजाइन है। दो सिलाई मैंने उल्टी उल्टी दोनों तरफ से निकाल ली, सीधे से उल्टे से बॉर्डर के लिए। देखिए, आइए डिजाइन डालना शुरू करते हैं। तो मैंने अपना सेकंड कलर रानी कलर ऐड कर लिया बॉर्डर के बाद में। फर्स्ट फंदा मैं उतार लूँगी। सेकंड फंदा ये रानी कलर वाला है ना, उसको मैंने ऐड कर लिया है। और यूँ आगे लेकर एक फंदा स्लिप कर लूँगी। ठीक है, एक फंदा मैंने स्लिप कर लिया है। फिर इसके बाद वाला फंदा उल्टा बुन लिया रानी कलर से, फिर एक स्लिप कर लिया और ऊन पीछे ले गए। तो ये 4 फंदे हमारे डिजाइन के हैं फ्रेंड्स। एक स्लिप किया, फिर ऊन आगे लेके एक और स्लिप किया, फिर एक उल्टा बना, ठीक है, फिर एक स्लिप किया, फिर फ्रेंड्स एक स्लिप किया। ये 4 फंदे का डिजाइन है। वापस रिपीट पैटर्न स्टार्ट करते। एक स्लिप किया फंदा, एक ऊन आगे ली, फिर एक स्लिप किया, फिर एक उल्टा बना, फिर एक स्लिप किया और ऊन पीछे ली। तो ये नेक 4 फंदे हो गए, 1 2 3 4। फिर फ्रेंड्स एक स्लिप किया, ठीक है, ऊन आगे ली और एक उल्टा बुना, फिर एक स्लिप किया और ऊन पीछे ली। ठीक है, तो ये 4 यहाँ से शुरू हो गए, 1 2 3 4। ठीक है फ्रेंड्स, ये हमारा नेक्स्ट पैटर्न हो गया। फिर एक बार हमने एक स्लिप किया, ऊन आगे ली, फिर एक स्लिप किया, एक उल्टा बुना, फिर एक स्लिप किया और ऊन पीछे ली। तो ये भी 4 का फंदों का डिजाइन। ये 1 2 3 4 बार रिपीट कर लिया। फिर एक स्लिप किया, फिर ऊन आगे ली, पिंक कलर से बुनना है, वाइट वाले सबसे डिप्लोप करना है। एक स्लिप किया, स्लिप करने के बाद में एक उल्टा बुना पिंक कलर से, फिर एक स्लिप किया और ऊन पीछे ली, लास्ट वाला मैंने स्लिप कर लिया। ये हमारे फर्स्ट रो हो गई है फ्रेंड्स। फर्स्ट रो राइट साइड, सेकंड रो रॉन्ग साइड आ गए हैं। देखिए फ्रेंड्स, ये जो स्लिप किया है ना, ये जो स्लिप किया है उसको स्लिप कर लेंगे और इसको भी मैं स्लिप कर लूँगी। नहीं, इसको स्लिप नहीं करूँगी। अब जो ये है पिंक के आजू बाजू वाले ये फंदे, ये पिंक कलर का फंदा है ना रानी कलर का, इसके आजू बाजू वाले भी ये उल्टे बुन लूँगी। सफ़ेद है ना, वो इनको पिंक बन लूँगी, रानी कलर का बन लूँगी। एक ये बीच वाला रानी कलर का है, 2 और ये तीन फंदे उल्टे बुन लिए। फिर ये वाला स्लिप कर लिया, फिर ये इसके रानी कलर के आजू बाजू वाले 2 वाइट, इनको भी मैं रानी कलर से 3 उल्टे बुन लूँगी, 1 2 और ये 3। ये जो बीच वाला फंदा है इसको स्लिप कर लिया, फिर 3 उल्टे बुन लिए, 1 2 3। फिर ये स्लिप कर लिया, फिर 3 उल्टे बुन लिए, 1। इसके रानी कलर के आजू बाजू वाले 2 वाइट हैं, उनको भी मैं उल्टा बुन लूँगी। ये इसको मैं स्लिप कर लूँगी, फिर 1 2 3 और लास्ट वाला है, इसको मैं स्लिप कर लूँगी। ठीक है, तो ये हमारी सेकंड और रॉन्ग साइड हो गई है। देखिए फ्रेंड्स, पैटर्न कुछ इस तरह से दिखता है। ठीक है, अब थर्ड रो राइट साइड आ गए। थर्ड रो राइट साइड में क्या करेंगे फ्रेंड्स, बताती हूँ। देखिए फ्रेंड्स, 2 रो में हमारी डिजाइन ऐसे बनती है। थर्ड रो राइट साइड आ गए फ्रेंड्स। अब हम वाइट कलर के उनसे बनाएंगे। 2 मैंने रानी कलर से निकाली सिलाई, अब इससे वाइट कलर से बनाएंगे। ये फंदा मैं ये कर लूँगी, स्लिप कर लूँगी, ऊन आगे लेके
इसको मैं फ्रेंड्स उल्टा बुनूंगी। फिर ऊन पीछे लेके एक स्लिप कर लिया, फिर तीन उल्टे, वाइट के आजू बाजू वाले भी उल्टे, तीन उल्टे, तीन उल्टे ऊन पीछे की। ये ना यहाँ वाइट दिख रहा है, ये बीच वाला फंदा, इसको स्लिप कर लिया, फिर वाइट के आजू बाजू वाले तीन फंदों को उल्टा बुन लिया। थर्ड रो राइट साइड है फ्रेंड्स, ये तीसरी सिलाई सीधी तरफ से ऊन पीछे ली, बीच वाले को स्लिप कर लिया। ये वीडियो स्किप ना करें फ्रेंड्स, वीडियो बने रहें तभी आपको समझ में आएगा क्या बन रहा है, कैसे बन रहा है। तीन फंदे उल्टे, एक स्लिप ऊन पीछे ले जाकर एक स्लिप किया, ये दो फंदे हम उल्टे बुन लेंगे। तो हमारा डिजाइन कुछ इस तरह से दिखता है फ्रेंड्स तीसरी रो में। फोर्थ रो रॉन्ग साइड है, ये थर्ड और राइट साइड थी, फिर ये फोर्थ रो रॉन्ग साइड है, इसको मैं स्लिप कर लूँगी फ्रेंड्स। फर्स्ट फंदे को इसको मैं उल्टा बुन लूँगी, फिर एक स्लिप कर लिया, फिर तीन फंदों को मैं उल्टा ही बुन लूँगी, फिर एक स्लिप कर लिया रानी कलर वाला, और इन तीन फंदों को मैं उल्टा ही बुन लूँगी, फिर एक स्लिप किया पिंक वाला स्लिप किया, तीन फंदे उल्टे बुन लिए, पिंक वाला स्लिप किया, तीन फंदे उल्टे बुन लिए। ये मेरी फोर्थ रो रॉन्ग साइड है, और ये लास्ट वाले दो फंदे हैं, इनको मैं उल्टा बुनूँगी। ये चौथी सिलाई है हमारी उल्टी तरफ से, तो चार सिलाई में हमारा पैटर्न कुछ इस तरह से दिखता है फ्रेंड्स, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, ये चार सिलाई का रिपीट पैटर्न है, और बीच में अब गैप देने के लिए फ्रेंड्स मैं क्या करूँगी, अब वाइट से ही बनाऊंगी। तो एक फंदा हमने स्लिप कर लिया, अब फिफ्थ रो है, और इसको सीधा बना लिया, और रानी कलर वाले को भी सीधा बना लिया। पांचवी सिलाई, पूरी सिलाई मैं राइट साइड से सीधी सीधी निकाल कर कंप्लीट कर लेती हूँ। डिजाइन तो चार सिलाई में कंप्लीट हो गया, अब गैप के लिए ही चार सिलाइयाँ, एक सीधी एक उल्टी, एक सीधी एक उल्टी निकाल कर इसको मैं कंप्लीट कर देती हूँ फ्रेंड्स। ये पांचवी सिलाई है, मैंने फिफ्थ रो राइट साइड पूरी सिलाई मैंने सीधी निकाल के कंप्लीट कर लिए, ठीक है। छठी सिलाई में आ गए, छठी सिलाई में ये फंदा मैं उतारूँगी फ्रेंड्स, और पूरी सिलाई में उल्टी उल्टी बुन के कंप्लीट कर लेती हूँ, ठीक है फ्रेंड्स। फिर सातवीं सिलाई सीधी, आठवीं सिलाई उल्टी बुनकर मैं आपको बताती हूँ आगे क्या करना है। देखिए फ्रेंड्स, मैंने चार सिलाई, ये एक दो तीन चार सिलाई मैंने गैप के लिए निकाल दी, ये फर्स्ट चार सिलाई में डिजाइन डाल दिया। अब नेक्स्ट रिपीट पैटर्न स्टार्ट करेंगे फर्स्ट रो की तरह। पहला फंदा मैं एक बार वो देख लीजिए फ्रेंड, पहला फंदा मैं उतार लूँगी, फिर ये रानी कलर का ऊन ऊपर ले लिया और ऊन आगे ले ली, ठीक है। पहला फंदा स्लिप कर लिया, ऊन आगे ले ली, फिर एक फंदा स्लिप किया, ये वाला फंदा स्लिप किया, फिर एक फंदा उल्टा बना, फिर एक फंदा स्लिप किया, ऊन पीछे ले ली। तो यही चार फंदे फ्रेंड्स हम रिपीट करते रहेंगे, ठीक है। एक फंदा स्लिप किया, फिर ऊन आगे ली, एक फंदा फिर स्लिप किया, फिर एक फंदा उल्टा बना, फिर एक फंदा स्लिप किया और ऊन पीछे ली। ये चार फंदे, दो दो चार, फिर एक फंदा स्लिप किया, ऊन आगे ली, फिर एक फंदा स्लिप किया, फिर एक उल्टा बनाया, फिर एक फंदा स्लिप किया, ऊन पीछे ली, फिर एक फंदा स्लिप किया, ऊन आगे ली, फिर एक फंदा स्लिप किया, एक उल्टा बना, फिर एक स्लिप किया, फिर ऊन पीछे ले गए। इस तरह से ये मैं रिपीट पैटर्न वापस बना लूँगी फर्स्ट रो की तरह। एक फंदा स्लिप किया, ऊन आगे ली, एक फिर स्लिप किया, फिर एक उल्टा बना, फिर एक स्लिप किया, फिर इस तरह से इसको स्लिप कर लेंगे, ठीक है फ्रेंड्स। ये सेकंड पैटर्न है,
सेकंड पैटर्न की फर्स्ट रो है। अब फ्रेंड्स इसको उतार लूँगी और ये पिंक के आजू बाजू वाले पिंक के आजू बाजू वाले फंदे में उल्टे बुन लूँगी। फिर इसको उतार लिया, स्लिप कर लिया, फिर तीन फंदे, एक ये पिंक के आजू बाजू वाले फंदे तीन उल्टे बुन लिए, ये बीच वाला एक स्लिप कर लिया, फिर तीन फंदे, एक और एक दो और एक बीच वाला तीन। ये सेकंड रो की तरह हमारी सिलाई निकलेगी, तीन उल्टे बुन लिए, ये स्लिप कर लिया, फिर तीन उल्टे बुन लिए, एक मैं स्लिप कर लूँगी। ठीक है, अब फ्रेंड्स देखिए तीन सिलाई निकल गई, चौथी सिलाई हम वाइट कलर की उनसे लेंगे। ये मैंने स्लिप कर लिया, ठीक है, ऊन आगे लेके इसको मैं उल्टा बुन लूँगी, उल्टा बुन लूँगी, एक स्लिप कर लूँगी, एक ऊन पीछे ले लूँगी। ठीक है, ठीक है ना फ्रेंड्स। अब मैं क्या करूँगी, ये बीच वाला स्लिप करना है, तो ये अभी ये देखिए एक ऊन आगे लेकर मैं इसको स्लिप कर लूँगी। ठीक है, ऊन पीछे लेकर ये हो गई हमारे, अब वाइट से निकालेंगे थर्ड रो। ये स्लिप कर लिया मैंने, एक ऊन आगे लेकर इसको वाइट बुन लिया उल्टा, फिर एक स्लिप कर लिया, ऊन पीछे ले गए, फिर ये देखिए फ्रेंड्स, नहीं अब ऊन आगे ले ली, एक स्लिप कर लिया, फिर इसको उल्टा बुन लिया। ठीक है फ्रेंड्स, व्हाइट कलर से बुनना है, इसको उल्टा बुन लिया, फिर ये व्हाइट के आजू बाजू वाले फंदे हैं ना फ्रेंड्स, इनको भी मैं उल्टा बुन लूंगी, बीच वाले को मैं स्लिप कर लूंगी। एक उल्टा बुन लिया, बीच वाले को स्लिप करना है, ये स्लिप कर लिया, फिर देखिए ऊन पीछे ले जाकर बीच वाले को स्लिप कर लिया, ऊन आगे ले जाकर व्हाइट वाले के आजू बाजू वालों को भी तीन उल्टा बुन लूंगी, तीन उल्टा बुन लूंगी, फिर बीच वाला ये स्लिप कर लिया, ऊन पीछे ले जाकर स्लिप कर लिया, और ये तीन फंदे उल्टे बुन लिए, ऊन पीछे ले जाकर बीच वाले को स्लिप कर लिया, ये व्हाइट के आजू बाजू वाले भी उल्टे बुन लूंगी। ठीक है, फिर ऊन पीछे ले जाकर इसको स्लिप कर लिया फ्रेंड्स। इस तरह से मैं अपनी सिलाई कंप्लीट कर लूँगी। ठीक है, ऊन आगे ली, तीन उल्टे बुन लिए, एक दो तीन, फिर ये लिप भी चले जाएगा, एक स्लिप कर लिया, ऊन आगे लेके दो उल्टे बुन लिए। ठीक है, तो इस तरह से नेक्स्ट पैटर्न डल गया। चौथी सिलाई फ्रंट देखिए, तो जैसा है वैसा बुन लेंगे, एक उतार लिया, एक उल्टा बुन लिया, इसको स्लिप कर लिया, फिर तीन उल्टे बुन लिए, तीन उल्टे बुन लिए, एक उतार लिया पिंक वाला, फिर तीन उल्टे बुन लिए। ये हमारी चौथी सिलाई है रिपीट पैटर्न की फ्रेंड्स। इस पैटर्न को आप किसी भी प्रोजेक्ट में अप्लाई करें, तीन उल्टे एक स्लिप करना, तीन उल्टे एक स्लिप करना है। बुन के बताती हूँ मैं आपको इसका फाइनल लुक। ये देखिए डिजाइन तो चार सिलाई के, बीच में चार सिलाई के आपकी निकलती है, तो इस तरह से हमारे डिजाइन बन के बहुत ही सुंदर उभर के आता है। थोड़ा बुन के फाइनल लुक बताती हूँ। देखिए फ्रेंड्स, मेरे डिजाइन का फाइनल लुक कितना सुंदर बन के आया है। इस डिजाइन को आप बच्चों के स्वेटर में, लेडीज कार्डिगन में, सॉक्स में, कैप में,
किसी में भी अप्लाई करें, बहुत सुंदर ऊपर कहता है, और किसी भी कलर कॉम्बिनेशन से बनाए फ्रेंड्स। तो वीडियो को बिल्कुल स्किप ना करें, वीडियो पूरा देखें तभी समझ में आएगा। और ऐसे सुंदर सुंदर डिजाइन के लिए एक लाइक तो बनते ही है, तो लाइक माय वीडियो, शेयर माय वीडियो विद फैमिली एंड फ्रेंड्स, एंड सब्सक्राइब माय चैनल। चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, शेयर करना टोटली फ्री है। तो गिव मी ए बिग सपोर्ट एंड अपना कमेंट करके अपना फीडबैक दीजिए कि कैसे बन रहा है मेरे ये डिजाइन, है ना फ्रेंड्स। तो मिलते हैं ऐसे ही खूबसूरत वीडियो के साथ में नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू फॉर वॉचिंग।